रवे गौरचंद्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णा भक्ताय नमो वांशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम मेरे परमाराध्यतम गुरुदेव ओम विष्टपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर श्रीमान गौरवंद गोस्वामी महाराज ओम विष्टपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर श्रीमान भक्तिदत्त नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी आयत की कृपा भिक्षा करता हूँ। तत्पश्चात ओम विष्णुपाद श्रीमान भक्ति वैभवपुरी महाराज जी के चरण कमलों में शतकोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनके आयुक्त कृपा भिक्षा करते मेरे रूपानु गौड़िया गुरुवर्गों को के चरण में अनंत कोटि प्रणाम जी ज्ञापन करते हुए उनकी आयुक्त कृपा भिक्षा करता हूँ। उपस्थित पूज्यपाद गोविंद महाराज महाराज अन्य अन्य वरिष्ठ वैष्णवों को मेरा श्रद्धापूर्वक नमन और उनकी कृपा भिक्षा करता हूँ। यहाँ बहुत सीनियर एवं योग्य वैष्णव सब विद्यमान है, वो लोग से हम लोग श्रवण करना चाहिए क्योंकि वैष्णव की महिमा वैष्णव के मुख से श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार कहा गया है, हम लोग श्रवण करते हैं कि न देवम अदेवम अर्चयेत। जब तक हमारा स्थिति देवताओं के स्तर में नहीं आया है, हम देवताओं की आराधना नहीं कर सकते, यह योग्य नहीं है। उस प्रकार एक योग्य वैष्णव ही वैष्णव के महिमा गान कर सकता है और उस महिमा को श्रवण करके सारा जगत कृतार्थ हो जाएगा। जैसे ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जने जने, ऐसे उन्नत महाभागवत वैष्णव जिनके अंदर ऐसे शक्ति है कि सारा ब्रह्मांड को उद्धार कर सकते हैं, अनंत कोटि जीव के चरण को बद्ध जीव को उद्धार कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे गुरु परंपरा में प्रमुख आचार्य ओम विष्णुपाद परमहंस ईश्वर भक्ति वैभवपुरी महाराज हैं। मैं उनके दर्शन कई बार और के सौभाग्य लाभ किया हूँ। मैं उनके संबंध में एक दो शब्द कह करके मैं अपने पाठ विराम दूंगा। पिछले भक्ति वैभवपुरी महाराज जी दर्शन में 91-92 में जगन्नाथपुरी में भुवनेश्वर में कई बार किया है। एक बार मुझे बहुत स्पष्ट रूप में ये बात सुनी, हम लोग इस क्रम में संकीर्तन बस में बुक डिस्ट्रीब्यूशन और आज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग भगवत गीता भगवत और ग्रंथों को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए हम लोग पहुंच गए जगन्नाथपुरी में और वहां महाराज जी के दर्शन। संध्या के समय था और महाराज जी वहां बैठे थे, उनको हम लोग प्रणाम किया। हमारे साथ में और सीनियर डिवोटी थे तो महाराज जी ने कहा कि तुम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हो
पुस्तक वितरण करते हो, लेकिन इसको बिजनेस मत बना, क्योंकि उसमें दोनों कार्य समान है। इसको कई दिन लगा समझने, हम लोग दोस्तों में इतना ज्ञान नहीं होता कि महाराज जी क्यों नेगेटिवली बोलते हैं। कभी कभी उनके बात बहुत कड़वा था, कठोर था, लेकिन हमारे लिए कल्याणकारी है। हम देखते हैं कि करेला या नीम बहुत तीता होता है, बहुत कड़वा होता है, लेकिन उसके सेवन से हमको आरोग्य लाभ होता है, और आरोग्य लाभ होने पर ही हम लोग वास्तविक सुख का अनुभव कर पाएंगे। एक व्यक्ति अगर व्याधिग्रस्त रहेगा तो कैसे सुखी रहेगा? उसी प्रकार भजन मार्ग में वैष्णव के वाणी बहुत कड़वाने पर भी उसको हम लोग ग्रहण करना चाहिए, अपने परम उपाधि के रूप में ग्रहण करना चाहिए। और उस वैष्णव हमारे सबसे अधिक हितैषी है जो हमको ऐसे कठोर वाणी के द्वारा शासन करते, वास्तविक वही हमारा हितैषी मंगलकांता। जो वैष्णव हमको बहुत प्रशंसा करते हैं और बहुत प्रतिष्ठा देते हैं, हो सकता है उनसे उतना कल्याण नहीं हो। वैष्णव के चाहे शासन हो या प्रशंसा हो, सब कुछ बराबर कहा गया है, लेकिन एक बद्ध जीव, भवरोग व्याधिग्रस्त अविद्याग्रस्त जीव के लिए ये वैष्णवों के शासन गाली ये बहुत उपादेय है। महाराज जी सबसे जब भी हमने भेंट किया कुछ ना कुछ नेगेटिव बात बोलते हैं, लेकिन बहुत दिन के बाद हमने सोचा, मैं सबसे सोचता था वो बात को, आज तो मुझे याद है बात को कि क्यों बोलते थे, क्योंकि ग्रंथ वितरण करना ये बहुत उन्नत भक्ति के अंग है। एक ग्रंथ पाए, कोई व्यक्ति अगर छोटा सा भी ग्रंथ का अध्ययन किया, भगवत गीता की वाणी और कुछ, तो उसके जीवन में वो परिवर्तन शुरू हो जाता है, भगवत उन्मुख होना शुरू हो जाता है, साधु संग में जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन अगर उस ग्रंथ को वितरण करने वाला व्यक्ति, उसका कल्याण कैसे होगा? उसका कल्याण तभी होगा वो समझ आए कि हम पोस्ट पेन है, हम बुक डिस्ट्रीब्यूटर, हम भगवान के वाणी को वितरण कर रहे हैं, ना कि इसको वितरण करके हम कितने पैसा ला करके दे रहे हैं मंदिर में कि हम इतने 1,00,000 रुपये का ग्रंथ वितरण महीना। ये पैसा के द्वारा उसका मूल्य नहीं, उसको समझना चाहिए कि ये वाणी कितने मूल्यवान है, और हम इतने सौभाग्यशाली है कि उस वाणी को हम लोग वितरण करने की सौभाग्य प्राप्त किया, ये हमारा हमको अपॉइंट किया गया उस सेवा के लिए, इसलिए अपने को धन्य समझना चाहिए। हम लोग गधा है, गधा क्या करता है? ईट पत्थर से बजरी जैसे आप देखते हैं कंस्ट्रक्शन में गधा लोग यूज करते हैं, वो डोता है सब प्रकार, धोबी का कपड़ा भी डोता है, लेकिन गधा का उस दिन सबसे सौभाग्यवान दिन है जिस दिन वो चंदन का लकड़ी, चंदन का सुगंध पाया, इतने मूल्यवान वस्तु उसके पीठ पर रखा गया। तो हम लोग उस प्रकार सेवा तो करते हैं, संसार में गर्दन करी परिश्रम, हम लोग बहुत परिश्रम करते हैं, काम करते हैं, खाते पीते शरीर को रक्षा करने के लिए करते हैं, लेकिन जिस दिन हमारा ये शरीर कोई महत्वपूर्ण सेवा वैष्णव की सेवा में लग जाए, उस दिन हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए महाराज जी, हाँ, भक्ति वैभव पूरी उसे महाराज जी जैसे कि हमारे शिक्षा गुरु हैं, उनसे बहुत शिक्षा लाभ हुआ, प्रेरणा लाभ हुआ। वो बहुत बड़े भजन के आदर्श थे, इतने बड़े नामनिष्ठ वैष्णव, तो नामनिष्ठ वैराग्य, सब सब देखेंगे उनके जो मूड था, उनका जो भाव था, सबसे विनय भाव, बहुत कम देखे होंगे महाराज जी आपको बहुत ज्यादा मजा हुए खुश, सबसे वैराग्य प्रधान था। ये महाप्रभु के भक्तों के लक्षण है, महाप्रभु गणेश वैराग्य प्रधान, वैराग्य, क्योंकि वो वैराग्य के द्वारा ही हमारे अंदर ये भोग वृत्ति प्रवेश नहीं करेगा। वैराग्य बाहर, जो वैराग्य जिसके अंदर में कठोर वैराग्य, वो व्यक्ति भजन में उतना शुद्धता, उतना चरम सीमा तक पहुंच गया, ये बहुत आवश्यक है। जब तो वैराग्य चाहे उन्होंने मंदिर बनाया अनेक भक्तों को, वैराग्य के आचरण और कठोर शासन के अंदर उनके अंदर इतने वात्सल्य भाव, अपने भक्तों को बहुत वो
लाड प्यार करते थे शिष्यों को, बहुत भक्त वत्सल थे, शिष्य वत्सल भी थे एक साथ साथ, और ज्यादा हरिनाम के ऊपर वो प्राधान्य देते थे, नाम जप के ऊपर। महाराज जी जितने बार हम लोग भक्त भी सुना है कहीं सभा में आते थे तो हरिनाम के ऊपर ज्यादा एम्फसिस देते थे, क्योंकि जीव के कल्याण एक बद्ध जीव साधारण से महाराज ने कहा तत्व ज्ञान सब लोग के दिमाग में नहीं जाएगा, हम लोग कलियुग जीव हैं, स्मृति शक्ति बहुत कम है और उसमें हम लोग बहुत लक्ष्य भ्रष्ट लेते हैं, इनअटेंटिव रहते हैं, हम लोग तत्व सुनते सुनते आधा माइंड पॉइंट एब्सेंट माइंड हो गए, कई सारे भूल गए, अभी अध्ययन करते करते आधा कुछ पढ़ा कुछ भूल भी जाते हैं, लेकिन हरिनाम जीव के लिए सबसे ज्यादा कल्याणकारी अधिक कल्याणकारी, इसलिए उन्होंने सबसे हरिनाम को प्राधान्य दिया, विदेशों में भी प्रचार किया, जहां भी प्रचार किया उन्होंने सबसे हरिनाम के ऊपर प्राधान्य देते थे, और उनके वास्तव में उनके जो नाम है हम देखते हैं, अगर उसको हम स्मरण करते हैं कि भक्ति वैभव, उनका भक्ति वैभव पूरी गोस्वामी माना है, ये भक्ति वैभव, वैभव माने संपत्ति, सबसे ज्यादा ऐश्वर्य, ऐसे हमारे ये बहुत बड़ा उपाधि है रूपानु आचार्य लोगों को दिया गया है, स्त्री रूप मंजरी पद जारा धन संपद, जो लोग स्त्री रूप गोस्वामी के चरण कमल में, श्री रूप गोस्वामी के चरण सेवाएं को जीवन में संपत्ति करके माना, श्री रूप मंजरी पद जारा धन संपद, उनके जीवन के सब धन संपत्ति श्री रूप गोस्वामी के ही चरण सेवा है, और रूप गोस्वामी कौन है, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जनभूतम साक्षात कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर राधारानी के भाव और कांति को लेकर इस जगत में आए, और समस्त जीवों को कृपा करने के लिए और उनकी भक्ति के जो शोभा है, भक्ति के जो श्रीयम है शोभा, जो उसको जगत में वितरण किया, वो भाव को सबसे उन्नत भाव को दिया, और ये जो मिशन है महाप्रभु को, महाप्रभु के इस मिशन को जो पूर्ण रूप में साकार करके दिखाया, उन परिकरों में सबसे अग्रगण्य सर्वाधिक प्रियतम श्री रूप गोस्वामी पाद है, और इस गोस्वामी के उनके पाद पद्म को, पाद पद्म की सेवा को, जिन्होंने अपना जीवन के समस्त धन और संपत्ति और वैभव माना है, वो भक्ति वैभव महाराज जी ऐसे अग्रगण्य रूपानु का आचार्य प्रवर है, वाणी अभी तो प्रचार तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन ये प्रचार में क्या जगत इतना कल्याण होता है, शुद्ध भक्तों की वाणी में जो शक्ति है, जिस प्रकार बद्ध जीव के बद्ध दशा को समाप्त करके भगवत चरण में उन्मत्त उन्मुखता जाग कर लेता है, ये जो शक्ति है शुद्ध भक्तों की वाणी में वो साधारण जीवों में नहीं है, वो सब खाली ब्लैंक फायर है, जिस बंदूक के अंदर बुलेट नहीं है वो ब्लैंक फायर करता है, लेकिन जिनके अंदर वो बुलेट है, जो शक्ति है रूपानुभव आचार्य प्रवर विश्व भक्ति वैभव परिगोस्य महाराज, हम अधिक नहीं जानते, जितना भी उनके चरण से उनके कृपा से जो भी थोड़ा बहुत श्रवण किया था उसके द्वारा ही उनके महिमा गान करने का प्रयास किया, इसे गंगा जल के द्वारा ही गंगा पूजन किया जाता है, उस प्रकार महापुरुष की वाणी के द्वारा ही उनके महिमा गान करके मैं अपने जीवन को सार्थक, मैं आज प्रार्थना करता हूँ कृपा करें उनके जो प्रिय परिकर भी कृपा करें कि हमारा इधर राधा कुंड सार्थक हो, और कभी भक्ति में हमारे जीवन में भक्ति में प्रवृत्ति जागृत हो, भक्ति में प्रवेश हो, इस शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।
जय श्री शिव भक्ति भवपुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय तदीय आविर्भाव सुवतिथि महामहोत्सव की जय। समागत भक्त वैष्णव वृंद की जय। जय गौर ब्रह्मानंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।